नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एजुटीरिया हाफ ईयरली इस बुक को। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसके 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। ये होगा इसका प्रैक्टिस सेट 7, जो कि आपके 69th बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। वेमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका में 2023 का जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स मिल चुके हैं वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, तो ये सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। साइंस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी 2023 को, तो उसका थीम क्या था इस वर्ष का? तो इसका थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेशनल साइंस डे जो है हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस प्लेयर ने जीता है बेस्ट मेल फुटबॉलर अवार्ड फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 के लिए? तो ये मिला है लियोनेल मेस्सी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है लियोनेल मेस्सी, जिन्हें 2022 का बेस्ट मेल फुटबॉलर अवार्ड मिला है। इन ऑप्शंस में कौन से करेक्टली मैच है? तो वो वैन थुओंग, ये प्रेसिडेंट है वियतनाम के, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। राजीव सिंह रघुवंशी, ये नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। ये हैं राजीव सिंह रघुवंशी। और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो है डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किस स्टेट में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया शिवमोगा एयरपोर्ट? तो ये कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ये इसकी पिक्चर, इसे रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया। रिसेंटली किसे अवार्ड दिया गया है मैरकोनी प्राइज फॉर द ईयर 2023? तो मैरकोनी प्राइज जो है ये दिया गया हरि बाल कृष्ण को। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है हरि बाल कृष्ण जी, जिन्हें अभी हाल ही में मार्कोनी प्राइज 2023 ईयर के लिए दिया गया है। कौन बन चुके हैं हाईएस्ट विकेट टेकर T20 फॉर्मेट में? तो T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बन चुके हैं साकिब अल हसन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। पहला इंडियन सबमरीन जिसे उतारा गया जकार्ता इंडोनेशिया में, तो ये है INS सिंधु केसरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है INS सिंधु केसरी। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में पहला मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाया है, तो अपने रेजिमेंट में इसको शामिल किया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया अभ्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल के रख दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर? तो ये है अहमदनगर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में अहमदनगर का नाम जो है चेंज हो गया है, अब इसका नाम संभाजी नगर रख दिया गया है। किस सिटी ने होस्ट किया 20वां एडिशन बायो एशिया का, जो कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट लाइफ साइंस और हेल्थ केयर कन्वेंशन था? तो ये होस्ट किया गया था हैदराबाद के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिमालयन वर्ल्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज? तो वहां पे 294 जो है चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं सबसे अधिक। तो ये कहाँ पे पाई गई हैं? ये पाई गई हैं उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जो है चिड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इंडियन एयर फोर्स के साथ एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में? तो इसमें UAE ने हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला ऐसा मेडन ग्लोबल एयर एक्सरसाइज था। किस फिल्म ने जीता है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में? तो ये जीता है RRR ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो RRR मूवी को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। 7 साल का ओल्ड प्रिंस जिग्मे नेगमियाल वांगचुक, उन्होंने गेन किया है पहला डिजिटल सिटीजनशिप, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं भूटान से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है जिग्मे नामगेल वांगचुक। कौन बन चुकी है पहली यूरोपियन कंट्री जिसने पास किया एक लॉ जिसमें अलाउ किया गया है मेंस्ट्रुअल लीव को? तो ये स्पेन बनी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्पेन पहली ऐसी वेस्टर्न नेशन है जिसने ऑफर किया है 3 दिन का मेंस्ट्रुअल लीव को। भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है बनाया गया है, तो इसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये लॉन्च किया गया था छेंगलपट्टू तमिलनाडु में, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। और इसका नाम रखा गया है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसी स्टेट में पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया आसाम में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जो कि आसाम में लगाया गया। किस कंट्री ने लॉन्च किया था सुवेज स्पेस क्राफ्ट को, ताकि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स थे, कुछ ऐसे पैसेंजर्स थे जो फंस गए थे, भटक गए थे, उनको लाया जा सके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? तो ये रशिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था सुएज स्पेस क्राफ्ट। गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया 284वां बर्थ एनिवर्सरी संत सेवालाल महाराज पहली बार। तो ये स्पिरिचुअल लीडर थे, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे बंजारा कम्युनिटी से, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का टेक स्टार्टअप जिसने शोकेस किया सोलर पावर ड्रोन सूरज को एरो इंडिया 2023 में, तो किसने बनाया है? ये बनाया है गरुदा एरोस्पेस ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये गरुदा एरोस्पेस के द्वारा जो है सूरज, ये एक सोलर पावर ड्रोन है जो कि एरो इंडिया 2023 में शोकेस किया गया था। किस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला चैट जीपीटी चैट बोट जिसका नाम है लेक्सी? तो ये है वेलोसिटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ने अभी हाल ही में लेक्सी नाम से एक चैट जीपीटी चैट बोट लॉन्च किया है। इनमें कौन से ऑप्शंस करेक्टली मैच हैं? तो नील मोहन है नए सीईओ यूट्यूब के, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये है नील मोहन जी जो कि सीईओ बने हैं यूट्यूब के। एस अब्दुल नजीर ये गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, ये फॉर्मर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। और बीवीआर सुब्रमण्यम ये सीईओ है नीति आयोग के, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसी स्टेट में इंडो उज्बेकिस्तान बाइलिनियल मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन बन चुके हैं विश्व के पहले बल्लेबाज जिन्होंने स्कोर किया है फास्टेस्ट 25,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो ये बन चुके हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली ने सबसे कम इनिंग्स में 25,000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और दूसरे नंबर पे सचिन तेंदुलकर हैं और तीसरे नंबर पे रिकी पॉन्टिंग। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया था एयर सर्विसेज फॉर एग्रीमेंट, तो ये किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है गुआना के साथ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया गुआना ने भी हाल ही में एयर सर्विसेज फॉर एग्रीमेंट जो है इस पे अप्रूवल दिया है। किस कंट्री ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया था एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट? ये एक ज्वाइंट ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएई के द्वारा, तो इसमें रिसेंटली ज्वाइन किया है भारत ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन बन चुकी है पहली सिटी अमेरिका की जिसने बैन लगाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे? तो ये है सिटल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली कनक रिले का निधन हो गया, वो फेमस थी किस क्लासिकल डांस के लिए? तो वो मोहिनी नाट्यम के लिए फेमस थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली मीटिंग हुई भारत के G20 चेयरमैनशिप के अंडर में, तो ये कहाँ पर हुआ था? ये 24 से 25 फरवरी 2023 के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें अभी हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम का दिया गया, असोम वैभव वर्ष 2022-23 के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, तो ये दिया गया है डॉक्टर तपन साकिया को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट पब्लिश की गई, इसमें भारत के किस स्टेट या यूटी को रखा गया है मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव और रीजन में? तो ये है बिहार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार को मोस्ट क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन्स में रखा गया है XDI ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके द्वारा कुछ डायरेक्शंस जारी किए गए स्टेट यूटी को, ताकि जो मिनिमम एज है एडमिशन की क्लास 1 में, उसके लिए कुछ निर्धारित एज जो है डिसाइड किया जाए। तो इसमें 6 वर्ष जो है डिसाइड कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कंट्री को अभी हाल ही में ऑफिशियल मेंबर बनाया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मार्च 2023 में? तो ये बनी है इजिप्ट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस हाई कोर्ट में पहली बार कंट्री में प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसलेशन जजमेंट्स का रीजनल लैंग्वेजेस में? तो ये केरला हाई कोर्ट में अब जो भी जजमेंट्स आएंगे उसे रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
2023 में इनॉगरल I2U2 बिजनेस फोरम, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अबू धाबी में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम, ये अबू धाबी में इनॉगरेट किया गया था। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रेजेंट किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 ढाका में, तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है महेंद्र कुमार मिश्रा जी को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये है महेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिन्हें अभी हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना के द्वारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 दिया गया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के रेफरेंस में स्टेटमेंट्स में बताना है, बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, तो ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट। फिल्म ऑफ द ईयर RRR, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। बेस्ट एक्ट्रेस ये बनी है आलिया भट्ट, और बेस्ट एक्टर है रणबीर कपूर, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ये सारे करेक्टली मैच हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा भी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा गया वर्ल्ड के लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, तो इसका फाउंडेशन स्टोन जो है नागपुर में रखा गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नागपुर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग अनुभूति इंक्लूसिव पार्क जो है, ये स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए ये बनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, नागपुर। किसने जीता है रणजी ट्रॉफी टाइटल फरवरी 2023 में? तो ये सौराष्ट्र ने जीत लिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला फेज शिव सृष्टि थीम पार्क जो कि बेस्ड था शिवाजी महाराज के लाइफ पर, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो इनॉग्रेट किया गया था पुणे में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला मरीन स्पाटियल प्लानिंग MSP फ्रेमवर्क ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? जो कि ये एक एग्रीमेंट है भारत और नॉर्वे के इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव का, तो ये लॉन्च किया गया था पौंडीचेरी और लक्षद्वीप आइसलैंड, ये दोनों जगह लॉन्च किया गया था, तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। किस स्टेट में लॉन्च किया गया सिक्स्थ फेज सुजलाम सुफलाम जल अभियान, जिसका एम है जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाया जा सके और जो मैक्सिमम रेन वाटर है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके? तो यह है गुजरात, जहां पर सुजलाम सुफलाम जल अभियान को जो है लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के सीनेट में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो ये कौन से दो सीनेटर्स थे जिन्होंने इस पूरे रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था? तो ये है जेफ मार्कले और बिल हैगेट्री, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चाइना के द्वारा काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, तो इसलिए यूएस के सीनेट में इस रेजोल्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल समिट हुआ है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाए, इसका नाम रखा गया है रियम 2023, ये फरवरी 2023 में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था द हेग नीदरलैंड में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट ये कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो ये सेटअप किया गया है पुणे में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ये भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट है जो कि पुणे में सेटअप किया गया है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है कंस्ट्रक्शन सिंकुला टनल का, जो कि प्रोवाइड करेगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी, तो ये कहाँ पे स्थित है सिंकुला टनल? तो ये स्थित है लद्दाख में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्टेट में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है सेटअप किया गया है? गोरखपुर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा में भी एक सिटी है गोरखपुर, जहां पर नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है लगाया गया है। किस फिल्म ने जीता है बेस्ट फिल्म अवार्ड 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में? तो ये जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में। और किसने लॉन्च किया वर्ल्ड के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट तेरान 1 को? तो ये रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।